माझ्या गावाचं नाव आहे राख, ते यवतमाळ जवळ आहे. तुम्हाला माहित आहे यवतमाळ कुठे येतं? ते विदर्भात येतं. विदर्भ म्हणजे अकोला, अमरावती, नागपूर, हेच म्हणजे विदर्भ. आणि याच्या फार पुढे गेल्यावर यवतमाळ, त्यात आमचं छोटस गाव राख. काय ग चालू इथे, काय करतेयस? अरे मी पिप्सीला शोधायला इथे आले होते. अच्छा, मग इथे ताई त्यांना दिसले म्हणून गप्पा मारते. तू कुठे गेला होतास? पाऊस बघत होतो. पाऊस कसला भारी पाऊस पडतो तुला माहितीये का? मुंबई माहितीये तुला? आयुष्य पण मी कुठे बघितलं होतं रे शेवटचा पाऊस. आपण इथे पिप्सीला शोधायला आलो ना? हो ना, पण बाहेर पाणी किती साचले बघितलं ना तू? मिळणार का आपल्या? माहिती का तुम्हाला, माहितीये का पिप्सी कुठे आहे? त्यांना नाही माहिती अजून पिप्सी कोण आहे ते. खरंच आजी आजोबांसोबत, ताई दादांसोबत, मावशी आत्यांसोबत, सगळ्यांसोबत जाणारच आहेत ना पिक्चर बघायला? जाणार जाणार. ए बाळू, आपण त्यांना एक झलक दाखवूया. कशाला? अरे त्यांना जर का पिप्सी कुठे दिसला तर ते आपल्याला सांगतील ना. हा सांगणार ना रे. सांगणार का? हा हा सांगणार. मजा येईल तुम्हाला. हम सब
कि कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। तो पहले 2016 में हमने एक फिल्म देखी, 2015 में हमने फिल्म देखी थी रिंगल, तो वहाँ पर साहिल को देखा तो लगा ये तो अपना एकदम परफेक्ट बालू हो गया, पर फिर जब पता किया तो ये तो ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में था और हमें दिखाना था कि 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो लगा आप कैसे सिलेक्ट होंगे एक बार मिल के देखते हैं। लकीली इतना टॉल नहीं था इसीलिए फिर इसको लगा कि ये परफेक्ट बालू हो गया। फिर हम लोगों ने मैथिली को ढूंढा, कोई सीरियल में थी तब तो ऑडिशन के लिए बुलाया था, तो तब हम सबको लगा था बहुत क्यूट और अच्छी है पर थोड़ी ज़्यादा गोरी है क्योंकि वहाँ पर सब लोग बाहर धूप में खेलते हैं तो वो इतने गोरे नहीं लग सकते, तो हमने सोचा अब क्या करें इनको ले नहीं लें, बोला नहीं बहुत क्यूट है लेना चाहिए, थोड़ा मेकअप पर हम लोग और थोड़ा ध्यान देकर थोड़ी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा इधर साइड का उनको दिखा देंगे। फिर जब दोनों को साथ में हमने ओला सीन्स कुछ पढ़ने के लिए तो दोनों इतने अच्छे से और नेचुरली फ्रेंड्स जैसे बात कर रहे थे कि लगा ये तो परफेक्ट हो गया। फिर अब आई बात शूटिंग की, तो कहाँ शूट करना है कि ऐसे लोकेशन ऐसा जो दिखना चाहिए, अब वो कहाँ दिखेगा, बॉम्बे के पास तो नहीं दिखेगा, तो फिर हम लोग एक्चुअली विदर्भ साइड गए, वहाँ पर शूटिंग की हम लोगों ने और वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती थी, रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो प्रोडक्शन ने प्रॉपर गेस्ट हाउस वगैरह वहाँ पर बनवाए, होटल रूम जैसे बनाया, सारी सर्विसेज थी और पूरा वहाँ पर 80 लोगों का यूनिट था जहाँ उन्हें 30-32 दिन पूरी मई की भरी गर्मी में शूटिंग की और सबको बहुत मज़ा आया। हाँ बीच बीच में गर्मी के कारण बीमार थोड़ा पड़ते थे पर इलेक्ट्रॉल वगैरह जैसे पीते हैं, जैसे स्कूल में आप लोगों को भी ग्लूकोज वगैरह देते होंगे पीने के लिए अगर कोई बीमार पड़ता है तो, नहीं आप लोग तो वैसे ही इनको कुछ चालू रहता था। और एक बार शूट कंप्लीट हो गई तो सोचा कि कुछ और सीन्स जो बाकी हैं वो शूट करने हैं, अब हो गया 1 साल का गैप तो ये हो गया टॉल, इसके आगे के दांत गिर गए, तो फिर हमने सोचा अब क्या करेंगे, तो थोड़ा सा कपड़े थोड़े से लूज करवाए, थोड़े ये करवाए और डेंटिस्ट से इसके नकली दांत बनवाए ताकि वो शूट पे ठीक लगे सेम लगे। तो ऐसे ऐसे करके अपना शूटिंग आगे बढ़ा और अब फिल्म तैयार है आप लोगों के देखने के लिए। आप लोग फिल्म में देखते हैं और कार्टून भी देखते होंगे कार्टून से ज़्यादा आवाज आएगी तो कोई हमने ये भी सोचा कि बच्चों के लिए फिल्में कम बन रही हैं तो हमें बनानी है और आगे, तो खास बच्चों स्कूल के बच्चों के लिए हमने स्क्रीनिंग्स भी ऑर्गेनाइज की है जिसमें हम लोग कॉम्पिटिशन्स रखेंगे और कॉम्पिटिशन्स में सबको प्राइजेस भी मिलेंगे जिसमें टेलीस्कोप्स होंगे, कैमरा भी दिया जाएगा ताकि आप लोग अपने स्कूल में भी एक अच्छी सी छोटी फिल्म बना सके, तो आई होप कि आप सब भाग लेंगे उसमें। ठीक है तो एक बार मैं पूरी टीम को जो यहाँ है पिक्सी की टीम को प्लीज यहाँ आइए, कम कम एवरीबॉडी
यहाँ पे एक गाव दाखवले की जिथे पाणी नसतं तिथे राहायला जागा अशा तुटलेल्या आहेत, घरं तुटलेली आहेत, छप्पर नाही आहे वरती, तर तिथे फक्त कोल्ड्रिंक मिळतं. त्या गावामध्ये फक्त कोल्ड्रिंक मिळतं. आणि ते तर आम्ही असं बसलो, एक सीन आहे की आम्ही असं बसले, झाड पडले असं मोठं, तिथे आम्ही बसले, पेप्सीला असं ठेवलं इथं असं मध्ये. आणि मी तिला विचारतो की आपण याचं नाव काय ठेवायचं, टॉमी ठेवायचं का? तर ती म्हणते नको, तू वेळडा आहेस का, तुला अक्कल नाही आहे का? तर ते कोल्ड्रिंक पिकत असते, मी पण कोल्ड्रिंक असतो. मग माझ्या डोक्यात विचार चालू होतात की ह्याचं नाव काय ठेवायचं काय ठेवायचं. मग मी जिथं तुपशी संपती तेवढ्यात मी बोलतो की अरे ह्याचं पेप्सी ठेवायचं का? ती म्हणते चालेल, की हा काळा काळा आहे गोडगोड म्हणून. म्हणून त्याच्यावरच सगळा पिक्चर आहे पेप्सी. पकडू
पकड़ लूँ मैं, ये भी बेटर है। पिप्सी काय आहे याची उत्तरं तुम्हाला या दोघांनी दिलीच आहे, पण माझ्यासाठी पिप्सी एक होप आहे। या सिनेमामध्ये एक खूप त्याचा जो मूळ गाभा आहे सिनेमाचा, जी गोष्टीचा गाभा आहे, की एका डेथबेडवर असलेल्या आपल्या एलिंग आईला कसं काय वाचवणार बाबा, आपल्या हातात तरी सगळं नाही आहे, पण त्यातून त्यांना एक काहीतरी मार्ग सापडतो, एक श्रद्धेचा मार्ग सापडतो, आणि ती श्रद्धा त्यांना होप देते। मला वाटतं की माझ्या मते पिप्सी ही ती होप आहे। आय थिंक पिप्सी फिल्म की स्क्रिप्ट की और ये टाइटल की ब्यूटी ये है कि पिप्सी हर एक जन के लिए एक अलग मतलब है। तो जैसे बच्चों के लिए ये एक कोल्ड ड्रिंक है या अपना फिश का नाम है, ये बड़ों के लिए होप भी है, फेथ भी है, और उसके अलावा मुझे लगता है कि लाइफ पिप्सी के जैसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो मेरे लिए ये ऐसा लगता है कि हर एक जन को इसका एक अलग मतलब और एक अलग कनेक्शन होगा। ये बोलना बहुत मुश्किल है, एक दिन ये तो एक दिन ये। खरतर मी दोघही खोडकर आहोत सांगते राहणार, पण या फिल्मचे डायरेक्टर आहे रोहन सर, त्यांच्यावर आम्ही खोडी तर केलीच, पण त्याच्यावर आम्ही मस्ती पण केली। म्हणजे मस्ती करत करत आम्ही शूटिंग केलं, असं नाही की चलो सिरियसली करायचं, आता आता हा फार सिरियसली करतोय, आपण असं कधीच झालं नाही की सीरियसली करतो, सगळे सीन मजेत केले। दोनों एक दूसरे को बहुत एंटरटेन करते थे, और तब सैराट के गाने बहुत पॉपुलर थे, तो उनको दोनों को मुंह जबानी याद थे, तो वही चलते थे और दोनों उस पर डांस करते रहते थे। शॉर्ट में जैसे एक्शन बोला तो सीरियस हो गए, जैसे ही कट बोला वापस डांस कर रहे थे। आमचा एक सीन असा है ट्रेन मधला, आम्ही नाचतोय चेन्नई एक्सप्रेस जो पिक्चर आहे हिंदी मधला, त्याच्यामध्ये गाणं आहे 1 2 3 4 गेट ऑन द डान्स मोर, तर त्याच्यावर आम्ही डान्स केला होता दोघांनी मिळून। हा सॉलिड डान्सर आहे दोनही। मला असं वाटतं की एक कारण नाही आहे पिप्सी पाहण्याचं, अनेक कारण आहेत, त्यातलं एक आहे कंटेंट, मराठी सिनेमा कंटेंट रिच आपण म्हणतो, त्यासाठी नक्की पाहावा। मला असं वाटतं पुस्तकांनंतर जर असं कुठलं माध्यम असेल जे एकाच वेळी आपल्याला मनोरंजनही देतं आणि त्याचवेळी आपल्याला अनुभवसुद्धा देतं, तर ते माध्यम आहे चित्रपट। त्यासाठी हा सिनेमा नक्की पाहायला पाहिजे, आणि मी अगदी पहिल्या दिवसापासून जसं म्हणतो आहे की हा लहान मुलांचा मोठा सिनेमा आहे, त्यामुळे हा सगळ्यांनी लहानांनी मोठ्यांनी सगळ्यांनी आपल्या परिवारासोबत मित्रांसोबत नक्की पाहावा असं मला वाटतं। मुझे लगता है कि अगर आपको फ्रेंडशिप का अनुभव करना है, होप का अनुभव करना है, और जो सीरियस चीज़ें होती हैं लाइफ में उसको दो बच्चों की आँखों के थ्रू देखना है, तो ज़रूर देखनी चाहिए पिप्सी। Thank you.